नमस्कार दोस्तों, शर्मा की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मल्टी असिस्टेंट वैकेंसीज के बारे में जो कि उड़ीसा वालों ने निकाली है। इसके लिए जो उन्होंने एलिजिबिलिटी मांगी है वो 12वीं पास मांगी है। 12वीं पास जो होता है वो इस चीज इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। और चलिए जानते हैं कि किस तरीके से आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फीस क्या है और एज कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए और आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे वो ऑनलाइन ही करेंगे। तो सबसे पहले आप उसके लिए क्या करेंगे, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे आपको करना है। सर्च बार में यहां करेंगे सरकारी जॉब डॉट कॉम। सरकारी जॉब डॉट कॉम के डालने के बाद यहां पर एक वेब पेज खुलेगा। तो जो यू आर एल है, जो करेक्ट यू आर एल है सर्च करने का, वो है www.sarkarijobfind.com। अगर आप सरकारी जॉब टाइप करेंगे तो वो आपको दूसरी वेबसाइट पर जाएगा, लेकिन आपको जो करेक्ट यू आर एल है वो है sarkarijobfind.com। ये देखिए ये वेब पेज ये वाला है, आप यू आर एल भी देख लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। इसके बाद जो है आप स्क्रोल करेंगे, स्क्रोल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर जो बीच वाला जो फॉर्म है ये वाला, इस पे गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा मल्टीपर्पस लिखा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपको सीधा उड़ीसा मल्टीपर्पस असिस्टेंट की वैकेंसीज पे ले जाएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो है पोस्ट का नाम है मल्टीपर्पस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2018। मैं पोस्ट के बारे में आपको बता देता हूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने इन्वाइटेड की है, मल्टीपर्पस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2018। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर ऑफलाइन करेंगे इस वैकेंसीज के लिए, यानी कि ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो होंगे वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी डॉक्यूमेंट चाहेंगे उसके साथ भेज सकते हैं। ये गवर्नमेंट उड़ीसा ने निकाली है, इस वैकेंसीज का नाम है मल्टीपर्पस असिस्टेंट ऑफिस वैकेंसी, और ये इस वेबसाइट पर अवेलेबल है www.sarkarijobfind.com। इम्पोर्टेंट डेट, एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 20 दिसंबर 2017 से, लास्ट डेट है इसकी 20 जनवरी 2018, यानी पूरा एक महीने का गैप है। अगर आज जो है ये 30 तारीख है तो अभी आपके पास जो है लगभग 20 दिन है इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देखिए एप्लीकेशन फीस, देर इज ए नो एप्लीकेशन फी, यानी इस चीज के भरने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस जमा करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ स्पीड पोस्ट के थ्रू यहां से अपना फॉर्म जो है भेजना है। यहां से पहले आप अपना फॉर्म डाउनलोड करेंगे, फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फिल कर देंगे, फिल करने के बाद आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है। तो हाउ टू अप्लाई, यहां लिखा है कि उससे पहले लिखा है कि वैकेंसी डिटेल्स, टोटल पोस्ट कितनी है। तो वैकेंसी डिटेल में देखिए दोस्तों, टोटल पोस्ट दे रखी है 73 पोस्ट दे रखी है। अब आप जो है थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, एज देखिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन कैंडिडेट की, जो कि 12वीं पास होना चाहिए। और यहां पर जॉब लोकेशन लिखा है जयपुर और स्टेट लिखा है उड़ीसा, यानी जो जॉब का जो लोकेशन होगा वो होगा जयपुर और स्टेट ने उड़ीसा वालों ने निकाली है। सिलेक्शन प्रोसेस, जो सिलेक्शन होगा वो
मार्क्स ऑप्टेन जो 10वीं और 12वीं में जो 10वीं प्लस 10 प्लस 2 में जो आपके मार्क्स आए हैं, 12वीं में जो मार्क्स आए हैं, उसके बेस पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। जो एज लिमिट चाहिए वो 18 से 40 साल चाहिए 1 दिसंबर 2017 में। 1 दिसंबर 2017 में जो आपकी जो एज होनी चाहिए वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40। कैसे अप्लाई करेंगे आप? ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा एमपीए वैकेंसीज के लिए, इसको आप डाउनलोड करेंगे। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेल्फ अटेस्टेड यानी जो फोटोकॉपी चाहिए होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की उनको अटेस्टेड किए कर लेगा। अटेस्टेड करने के बाद जो है मार्कशीट को, दो पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स को वो रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट कर देगा प्रोजेक्ट डायरेक्टर को डिस्टिंक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी जयपुर उड़ीसा, या तो जयपुर में या उड़ीसा में, ऑन बोर्ड बिफोर 20 जनवरी 2018 से पहले पहले वो इस वाले एड्रेस पे सेंड कर देगा। या तो जयपुर जाएगी या उड़ीसा, दोनों स्टेट में से कहीं भी इसको सेंड कर सकते हैं। तो देखिए इंपोर्टेंट लिंक दे रखे हैं यहां पर, ये इंपोर्टेंट लिंक मैं आपको सजेशन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा। फिलहाल यहां के लिए मैं बता दूं, आप यहां से डाउनलोड एप्लीकेशन जो यहां पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है डाउनलोड हो जाएगा और यहां से आप प्रिंट ले सकते हैं। ये पहला है, इसमें आप देखेंगे थोड़ी डिटेल के बारे में देख लेना आप फॉर्म के बारे में। ये नेम ऑफ द पोस्ट है मल्टीपर्पस असिस्टेंट ग्राम रोजगार सेवक, प्लेस ऑफ पोस्टिंग ग्राम पंचायत, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास और कंप्यूटर प्रोफेशंस की नॉलेज होनी चाहिए ओ लेवल की उड़िया लैंग्वेज में कंप्यूटर में, एज आपकी 40 साल मैक्सिमम मिनिमम 18 साल, और 5000 का कंसोलिडेट मिलेगा आपको एक महीने का सिलेक्शन होने के बाद। सिलेक्शन प्रोसीजर है आपके जितने भी मार्क्स आए 10वीं के बाद जो 11वीं 12वीं या 12वीं में जितने मार्क्स आए उसके बेस पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी 12वीं के सर्टिफिकेट पे, उस मेरिट लिस्ट के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। जो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है वो करना है 10वीं की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, 12वीं के सर्टिफिकेट उसका मार्कशीट, कोई कंप्यूटर कोर्स करा ओ लेवल में उसके मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट, अपना रेजिडेंट प्रूफ जहां पर रह रहे हैं उसका प्रूफ, अपने दो पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ, साइन नहीं करना नहीं अटेस्टेड करना फोटोग्राफ पे, वो ऐसे चिपका देना एप्लीकेशन फॉर्म पे, अटेस्टेड और साइन करने की जरूरत नहीं। जो अटेस्टेड करना है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट को करना है आपको। इसके बाद ये अप्लाई आप इस तरीके से करेंगे, जयपुर में आपको ये भेजना पड़ेगा, आप चाहे तो उड़ीसा भेज सकते हैं लेकिन जयपुर में भेजेंगे इसको प्रोजेक्ट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी जयपुर में। आप इसको 20/1/2018 से 5 बजे से पहले पहले सेंड कर देना, क्योंकि लास्ट डेट है सबमिशन की वो 20 जनवरी 2018 है 5 बजे से पहले पहले। तो ये जो है इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आएगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भेजना, यहां पर अपना नाम डालना है, नेम ऑफ द ग्राम पंचायत अप्लाइड फॉर, यहां ग्राम पंचायत की अप्लाइड फॉर कौन सी वैकेंसीज के लिए अप्लाइड कर रहे हैं, नेम ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का क्या नाम है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, अपना नाम, फीमेल है मेल है फीमेल वो लिख देगा, अपने फादर या हस्बैंड का नाम, अपना परमानेंट एड्रेस, विलेज कंप्लीट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस भी जो भी होगा, डेट ऑफ बर्थ, और यहां पर अपना फोटोग्राफ का दिएगा, फोटोग्राफ में अटेस्टेड मत कीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आएगा, यहां पर डेट ऑफ बर्थ अपनी डालने के बाद अपनी जो है हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट में कितने मार्क्स आए हैं, कितने में से कितने मार्क्स आपको मिला है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या था, उसी तरीके से 12वीं का कितने मार्क्स में कितने में से कितने मार्क्स मिले हैं सर्टिफिकेट, उसके बाद कंप्यूटर एजुकेशन में कितने में से कितने मार्क्स मिले हैं। आपका कंप्यूटर एजुकेशन में ओ लेवल का होना जरूरी है। तो यहां पर आप अपने नाम लिखकर, विलेज का नाम लिखकर, यहां पर लिख के जीपी का लिख के और पोस्ट कोड लिख के अपना अप्लाई कर देना कि हम, मैं जो हूं मल्टीपर्पज असिस्टेंट ग्राम रोजगार सेवा की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ये सिर्फ उनके लिए है जो सिर्फ 12वीं पास है, क्योंकि उनका जो सिलेक्शन होगा सिर्फ 12वीं के नंबर पर होगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है और ये एक सरकारी नौकरी है। यहाँ पर सिग्नेचर करके प्लेस और डेट का नाम डाल के आप सेंड कर देंगे, जयपुर में सेंड हो जाएगा और ये आप स्पीड पोस्ट कर देना। तो मैंने आज आपके बारे में, आप जो आज की वीडियो है वो सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप 12वीं पास हैं और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो आपको मेरा चैनल वीडियो आज का कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ देता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।